नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते से अमरीकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी का रास्ता खुल गया है। अब जो लोग इसके उल्टे सीधे कयास लगा रहे हैं या लगाने में तल्लीन है, उन्हें अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के उस बयान को भी समझ लेना चाहिए जिसके बाद चीन के हाथ पांव फूल गए हैं। मार्क एस्पर ने इस फैसले का दूसरा पहलू सामने रखते हुए स्पष्ट कहा है कि इसका मकसद चीन से भविष्य में होने वाले संभावित संघर्ष की तैयारी करना है। यानी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है, जिसके लिए वह बड़े स्तर पर खुद को तैयार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन और रूस से भविष्य के संघर्ष में अमेरिका एक कदम आगे रहना चाहता है और भारत के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी का एक पूरा खाका तैयार करने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल भावी संघर्ष के क्षेत्र में अंतरिक्ष और अगली पीढ़ी के रणनीतिक हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें और एडवांस परमाणु हथियार अमेरिका आधिपत्य के लिए चीन को एक बड़ा जोखिम मानते हैं। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान, इराक और अन्य स्थानों पर ध्यान कम कर दिया जाए। उसका जोर इस बात पर नहीं है कि एशिया से सीधे सेनाएं हटाकर उन्हें कहीं और भेज दिया जाए, बल्कि वे महत्व वाले क्षेत्रों में अमरीकी सेनाओं की प्रतिबद्धताएं कम करना चाहते हैं ताकि अमरीकी सेनाओं को बुलाकर उन्हें परंपरागत संघर्ष के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। कहने वाले तो यही कहते हैं कि चीन आज जिस रोग से बर्बाद हो रहा है उसमें अमरीका का कोई ना कोई हाथ जरूर है। इसके पीछे ऐसा कहने वालों का तर्क भी है। पिछले कुछ सालों से चीन जिस तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ा और उसने बड़े हथियारों का निर्माण किया, उससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई थी। अमेरिका को स्वीकार नहीं कि दुनिया में उसकी एक छत्र ताकत को कोई चुनौती दे, लेकिन चीन खुलकर अमेरिका के सामने आ खड़ा हुआ था। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और ईरान में उलझे अमेरिका का पूरा ध्यान आतंकवाद की लड़ाई पर केंद्रित था और चीन मजबूत होता चला गया। इसके लिए बाकायदा चीन ने तालिबान को चीनी हथियार और आर्थिक सहायता तक पाकिस्तान के माध्यम से उपलब्ध कराई ताकि अमेरिका का ध्यान चीन की तरफ डाइवर्ट ना हो। इस बात से अमेरिका वाकिफ था कि तालिबान के पास गोला बारूद की कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, उन्हें कोई ना कोई विदेशी ताकत मदद कर रही है। हालांकि कतर और सऊदी अरब तालिबान को मान्यता देने वाले पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्क थे, किंतु इस संगठन की ताकत का आधार पाकिस्तान और चीन ही थे। बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म होने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की कमान संभाली तो उसे हकीकत समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसके साथ ही ट्रंप ने दो मोर्चे एक साथ खोल दिए। वे चीन की घेराबंदी में भी जुट गए और ईरान को लेकर भी अपना रुख सख्त कर लिया। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की वापसी का ऐलान भी कर दिया। दरअसल चीन के मंसूबे यही थे कि अमेरिका अफगानिस्तान, ईरान और सीरिया में उलझा रहे, वे कभी इन देशों से बाहर ना निकले। हालांकि दिखावे के लिए उसने ऐसे प्रयास जरूर किए मानो वह भी ऐसे मसलों से चिंतित है। चीन की पेशनी पर बल तब पड़े जब ट्रंप ने उसके साथ ट्रेड वार शुरू कर दिया। उस वक्त चीन समझ गया कि वह अमरीका के निशाने पर आ चुका है। उसी दौरान उसने अमरीका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर लाने के लिए पूरा जोर लगाना शुरू किया, मगर उस वक्त तक अमेरिका चीन के मंसूबे समझ चुका था। उसने चीन से ट्रेड वार के दौरान ही तालिबान के साथ दोहा वार्ता का ऐलान करके दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान से सैन्य इकाइयों की वापसी मान सम्मान से ज्यादा अमेरिका का हित था। चीन में आज जो उधम मचा है उसने चीन की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया है। 24 घंटे चलने वाला चीन आज पूरी तरह ठहर चुका है। उद्योग धंधे बंद हैं, निवेशक भाग चुके हैं, निर्यात लगभग ठप हो चुका है, बाहरी दुनिया से संबंध लगभग कटे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका ने चीन को उसी के भीतर उलझाकर अपने हित पूरे कर लिए हैं। हालत यह है कि विकास के मामले में चीन अमेरिका से 10 साल पीछे खिसक गया है। अफगानिस्तान में मौजूद 13,000 अमरीकी सैनिकों की पूर्ण वापसी होगी, इसमें अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि अमेरिका हर हाल में अफगानिस्तान में बना रहेगा। वह कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकालेगा जिससे वहां पर उसका सैन्य बेस बना रहे। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान से वह चीन और पाकिस्तान पर सीधी निगाहें रख सकता है। अमेरिका से अफगानिस्तान 8,000 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान और चीन सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर। यह अलग बात है कि अमेरिका तालिबान से लड़ाई ना करे, पर वह किसी ना किसी रूप में यहां जरूर मौजूद रहेगा।
ऐसा करना अमेरिका की सुरक्षा और उसकी दादागिरी के लिए जरूरी भी है। इसलिए पाकिस्तान या तालिबान अगर इस डील पर खुश हो रहे हैं तो आने वाले दिनों में वे बगले झांकते दिखाई देंगे। पर चीन की हालत इन दोनों से ज्यादा बुरी है। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से अफगानिस्तान की लड़ाई से खुद को अलग भी कर लिया और चीन का बैंड बजाने के तामझाम की तैयारी में भी जुट गया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।